एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कीप क्रिएटिंग विद दिशिता। सो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ये शुभ लाभ वॉल हैंगिंग की वीडियो। ये बहुत ही इजी है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है बनने के बाद। मैं बहुत ही इजी वे में आपको सिखाऊंगी कि वॉल हैंगिंग आप कैसे बना सकते हैं। सो कम ऑन, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आप यहाँ पर मैंने कार्डबोर्ड के पीसेस कट कर लिए हैं इस शेप के, और अब मैं यहाँ पे एक छोटी सी कटोरी लूँगी, उसमें मैंने फेविकॉल लिया है और पानी को मिक्स कर लूँगी। तो देखिए, मैंने यहाँ पे फेविकॉल और पानी को एक ब्रश की हेल्प से मिक्स कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे ले लिए थे टिश्यू पेपर। अब मैं अपने ये जो पेस्ट बनाया था हमने फेविकॉल का, उसे टिश्यू पेपर की हेल्प से अपने पूरे कार्डबोर्ड को कवर कर दूँगी। तो देखिए, मैं इस तरीके से पूरे अपने कार्डबोर्ड को कवर कर दूँगी। इससे हमें दो फायदे होंगे, एक तो हमारी कार्डबोर्ड को स्ट्रेंथ मिलेगी, उस पर काफ़ी डिफरेंट सा टेक्सचर भी आ जाएगा, काफ़ी यूनिक टेक्सचर मिलेगा हमें। सो इसको इस तरीके से मैंने सभी पीसेस को कर लिया है और ये सभी ड्राई होकर एकदम हार्ड हो चुके हैं। अब मैंने यहाँ पे लिए फेविकल मोल्डेड क्ले। इससे मैं अपने ऊपर की जितनी भी डिटेलिंग होगी मैं फेविकल मोल्डेड से करूँगी। अगर आपके पास मोल्डेड क्ले नहीं है तो आप एमसिल भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं दोनों कॉम्पोनेंट्स को इक्वल क्वान्टिटी में मिक्स करूँगी, देखिए इस तरीके से। और मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि आप जब भी मोल्डेड क्ले या एमसील का यूज़ करें, उनको आप थोड़ा थोड़ा करके ही मिक्स करें, क्योंकि एक साथ अगर सारा मिक्स कर लोगे तो वो ड्राई होने लगेगा। तो देखिए, अब इस तरीके से मैंने पतला सा रोल बनाया था, पतली सी ट्यूब बना लीजिए इसकी, अब अपनी क्ले की, और उसे इस तरीके से बाउंड्री में लगा दीजिए और फिर कटर की हेल्प से इस तरीके का डिज़ाइन दे दीजिए। ये मैंने अपने सभी पीसेस के साथ कर लिया है। अब मैं यहाँ पे बीच में पेंसिल से पहले लिख लेती हूँ शुभ लाभ। आप इसकी जगह गणेश जी भी बना सकते हैं, अगर आपको कुछ और लिखना है आप वो भी लिख सकते हैं, बट मैं कि बेसिक वॉल हैंगिंग की तरह इसे बना रही हूँ। देखिए इस तरीके से पहले पेंसिल से रफली लिख लिया है मैंने, उसके बाद जैसे हमने पहले क्ले का रोल क्ले के ट्यूब्स बनाए थे ऊपर की साइड, वैसे ही हमें थोड़े पतले बनाने होंगे और उसे फेविकॉल की हेल्प से इस तरीके से पेस्ट कर देना होगा। देखिए, मैं आपको एक करके दिखा देती हूँ कि किस तरीके से करना है। देखिए, जब अगर ये थोड़ा हार्ड होने लगेगा तो आपके लिए लेटर्स बनाना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो देखिए, जैसे कि मैंने शुभ लिख लेती हूँ मैं यहाँ पर, और दिवाली तो वैसे भी कलर्स का फेस्टिवल है, तो इसको हम आप बहुत ही ब्राइट कलर्स से पेंट करना और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। और हैंडमेड चीज़ों की तो बात ही अलग होती है, चाहे वो फिर किसी भी आप फेस्टिवल पर यूज़ कर लीजिए। तो देखिए, यहाँ पर मैंने शुभ लाभ लिख दिया है। अब जो मैंने छोटे वाले स्क्वायर्स कट किए थे उस पर मैंने इस तरीके का सात्विक बना लिया है, और इसको भी मैं अपनी क्ले से कवर कर दूंगी। देखिए इस तरीके से क्ले से लिख लूँगी मैं। ये तो बनाना बहुत ही इजी था, बट हाँ, इसको पेंट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि काफ़ी मैसी हो जाएगा पेंट करने में, और मैसी चीज़ें तो अच्छी लगती नहीं हैं। तो पेंट करते समय आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि हाँ, आप अच्छे से पेंट करें। तो देखिए, मैंने इस तरीके यहाँ पे छोटी छोटी सी बॉल्स बना ली हैं और इन्हें चारों साइड पे मैं फेविकॉल की हेल्प से पेस्ट कर दूँगी, इस तरीके के दोनों बना लूँगी। अभी जो सर्कल्स थे उन पे मैंने ओम बना लिया है। तो अब यहाँ पे मैं इनको ड्राई होने के लिए छोड़ दूँगी, और ड्राई होने के बाद मैं पेंट करना स्टार्ट करूँगी। तो पेंट करने के लिए मैं यहाँ पे एक्रेलिक कलर्स का यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए, मैं इस तरीके से जितना भी क्ले वर्क किया है अपने इस आर्ट पे, उसको मैं रेड कलर से करने वाली हूँ, फिर चाहे वो बाउंड्री हो या फिर बीच में लिखा हुआ शुभ लाभ हो, ओम हो, कुछ भी हो, जितना भी क्ले वर्क है वो मैं रेड कलर से करने वाली हूँ पेंट। तो देखिए, इस तरीके से मैं पेंट कर लूँगी, और पहले रेड मैंने इसलिए यूज़ किया है ताकि जितना भी मैसी होना था वो हो जाए, फिर जब हम बैकग्राउंड में जो भी कलर अप्लाई करें उससे हम जितना भी हमने मैस मचाया है उसको क्लियर कर दें। देखिए, इस तरीके से मैंने अपने सभी पीसेस पे पेंट कर लिया है। अब नीचे बेस के लिए मैं यहाँ पे येलो कलर का यूज़ कर रही हूँ, लेमन येलो, ये भी एक्रेलिक पेंट ही है, इसको भी मैं अच्छे से पेंट कर दूँगी। और हमने रेड कलर से जितना भी मैस मचाया था ना, उसको हम कवर करते चलेंगे अपने येलो पेंट से। तो देखिए, इस तरीके से काफ़ी बारीकी से और ध्यान से पेंट कर लेंगे। थोड़ा सा पेशेंस ज़रूर चाहिए इसे पेंट करने के लिए, पर ये बनने के बाद बहुत ही सुंदर लग रहा था और काफ़ी अच्छी वाइब्स भी आ रही हैं इसको देखकर। तो देखिए, अपने सभी पीसेस पेंट हो चुके हैं। अब मैंने ले लिए हैं यहाँ पे मिरर, जो डेकोरेशन मिरर्स होते हैं वो सर्कल शेप के, और इन्हें पूरी बाउंड्री पे मैं पेस्ट कर दूँगी फेविकॉल की हेल्प से।
आप चाहें तो डायमंड शेप के मिरर्स भी ले सकते हैं, और छोटे वाले थोड़े छोटे साइज़ के डायमंड और सर्कल दोनों शेप्स के मिरर भी ले सकते हैं, वो टोटली आपके ऊपर है। पर मैंने यहाँ पे बड़े साइज़ के मिरर्स लिए हैं ताकि मेरा कम मिरर्स में काम हो जाए। तो देखिए इस तरीके से मैंने बाउंड्री पे मिरर्स लगा दिए हैं। ऐसा ही मैं दूसरे वाले पीस के साथ भी करूँगी, और फिर जो हमारे दोनों छोटे पीसेस थे उन पर मैं इस तरीके से रेड डॉट्स लगा दूँगी। तो अब हमारे दोनों पीसेस तो रेडी हैं, अब मैं उनके नीचे हैंग करने के लिए एक टासल बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने रेड कलर का सिल्क थ्रेड ले लिया है, और उसको आप जितने चाहे उतने राउंड्स कर लीजिए, जितने भी आपको थिक टासल बनाना है कार्डबोर्ड के ऊपर। और फिर ऊपर की साइड से 3-4 नॉट बांध दीजिए ताकि वो अच्छे से टाइट हो जाए। फिर उसको कार्डबोर्ड से निकालने के बाद अपने थ्रेड को अच्छे से एक थ्रेड के पीस से ऊपर की साइड से कवर कर दीजिए अच्छे से। पहले रोल करना है, उसके बाद उसमें 3-4 नॉट लगा देनी है एकदम टाइट करके, ताकि हमारा टासल गलती से भी खुले नहीं और काफ़ी स्मूथ लगे देखने में। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको कट कर लिया है, अब नीचे से अब कट कर लीजिए अच्छे से और शेप दे दीजिए अच्छे से अपने टासल को। मैंने बार बार कॉम करके इसको कट कर लिया है और एक बढ़िया सी टासल वाली शेप दे दी है। इस तरीके के मुझे दो टासल बनाने होंगे हमें अपने दोनों पीसेस के नीचे हैंग करने के लिए। तो देखिए दो टासल बन चुके हैं, अपने सभी पीसेस को उल्टा कर दीजिए। मैंने यहाँ पे इस तरीके का सिल्क का थ्रेड लिया है, उसको मैं एक ऐसे हुक की शेप में पेस्ट कर दूंगी ऊपर की साइड ओम के ऊपर अपने, और फिर एक सीधा थ्रेड ले लेंगे उससे अपने तीनों पीसेस को अटैच करते चलेंगे। तो देखिए इस तरीके से तीनों पीसेस को एक साथ अटैच कर देंगे, हैंग कर देंगे हैंग, ताकि हम उसको अच्छे से हैंग कर पाएँ। इसी तरीके से दोनों पीसेस को कर लेंगे, और फिर नीचे की साइड ग्लूगन की हेल्प से मैं अपने टासल लगा दूंगी जो भी मैंने टासल बनाए थे रेड कलर के। तो देखिए इस तरीके से ये हमारा शुभ लाभ का वॉल हैंगिंग बनके बिल्कुल रेडी है। पूरा कलर कॉम्बिनेशन तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना ये, और कितना इजी था, कितना जल्दी बन गया। जितना मुश्किल ये देखने में लग रहा है उतना है नहीं। तो आप भी इसको इस दिवाली ज़रूर बनाना, और अगर आपके पास और भी आइडियाज़ हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं ज़रूर अगली वीडियो में ट्राई करूँगी। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।